इन तिलावत के नाजिल कुरान हो रहे आए, सुन के ताजा यकीनन ईमान हो रहे आए। इन तिलावत के नाजिल कुरान हो रहे आए, सुन के ताजा यकीनन ईमान हो रहे आए। ते कारी साहब ते मोचू एजो का खदाई कमली वाले दा लहजा बयान हो रहा है। हजरते मोहतरम, कारी कुरान अल्लाह के पाक कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और इस दौरान हमारे सूफी बुजुर्ग, हमारे सरों का ताज जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। जनाब सूफी मोहम्मद निवाज साहब, आप तशरीफ लाए, खुश आमदीद। उनके साथ ही भाई मोहम्मद फयाज साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आले नबी औलाद अली सैयद मतलूब हुसैन शाह साहब, आपके इलाके की एक खूबसूरत आवाज़, वो भी स्टेज की जीनत बने, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। आज साहब थोड़ी शफकत ही है। अच्छा, के जुलम जिन्ना में तकड़ा सही, बगावत कौन रख सकता है, जितन तई नाम पंज तन दा सहाबत कौन रख सकता है। जुलम जिन्ना में तकड़ा सही, बगावत कौन रख सकता है, जितन तई नाम पंज तन दा सहाबत कौन रख सकता है। खिदर सच्चाई दे पैकर कदे मजबूर नहीं होंदे, जे सर ने रेत चढ़ सकता है तिलावत कौन रख सकता है। जे सर ने रेत चढ़ सकता है तिलावत कौन रख सकता है। कि हर इब्तदा से पहले और हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। अब मैं आका रूफ रहीम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मुल्तमिस होता हूं। आले नबी औलाद अली मोहतरम जनाब, आपके इलाके की एक खूबसूरत आवाज सैयद मतलूब हुसैन शाह साहब, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आए और आका रूफ रहीम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करें। उनकी आमद से पहले पुरजोर नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।